Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum students. Exercise 1.2. ये question number 1 का part 4 आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? ये आपके पास होल नंबर मौजूद है, मिस फ्रैक्शन में मौजूद है, ठीक है? इसको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 63, 63 प्लस 7 70, 70 अपॉन 20 और ये प्लस, अब क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई, इसको किस तरह से करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और जो आंसर आएगा उससे ऐड हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 140 में 8 ऐड किए तो 148 अपॉन 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में आ रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लें, ये आपके पास हो जाएगा 7 3 21 और ये 7 10 70, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 10 अपॉन 3 प्लस 148 अपॉन 35। डिनोमिनेटर में जो है कैल्सियम ले लें, क्या आएगा कैल्सियम, यहां से फाइंड आउट करते हैं, 3 कॉमा 35। सबसे पहले 3 का टेबल 3 1 3, 35 नहीं आता 3 के टेबल में, ऐसे कैसे रह जाएगा। तो अगर खाली 35 बच गया तो आपको 35 ही लिखना पड़ जाएगा, तो आपके पास ये क्या जाएगा, 35, ये जो दो दो, दो नंबर आए खाली इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 105, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहां पे 105। इसकी जगह पे एक टर्म आएगी और इसकी जगह पे एक आएगी, तो 10 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है, 105। 3 1 3, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 बचा और 1 इसके पास चले गए, 3 5 15, 35 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 350। फिर ये वाली टर्म उठाएंगे, 148 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या आया था आपके पास, 105। अब आप इसको करें, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5, फिर 7 1 7, 7 3 21, 148 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप 148 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 3 24 3 4 12 14 3 1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये 444 यहां पे आ गया, अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 350 को 444 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 3 7 अपॉन 105, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर होता है, जो स्टूडेंट इसको कर चुके हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार फिर करें, और जो उन्होंने नहीं किया वो तो लाजमी तौर पे उन्होंने एक दफा तो करना ही, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आज के लिए काफी है, थैंक यू वेरी मच।